करती हूँ आप सभी लोगों का लॉ वाला चैनल पे। मेरा नाम है इसरा और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को समझने वाले हैं। सेक्शन 11 जो कि बात करता है रेस्ट जुडिकाटा के बारे में, वो मैटर्स जो पहले डिसाइड कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर जजमेंट पास कर दिया गया है, उस सिचुएशन में क्या आप फिर से सूट ला सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम लोग कवर करने वाले हैं बार टू फर्दर सूट जो कि दिया गया है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं, क्या डेली टारगेट होने वाला है हमारा। हम लोग रेस जुडिकाटा कवर करेंगे, उसके एसेंशियल्स को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग रेस जुडिकाटा का डिफरेंस देखेंगे किसके साथ, रेस सब जुडिस के साथ, रेस सब जुडिस के साथ। साथ ही साथ 115 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि एस्टॉपल के बारे में बात करता है, एस्टॉपल के बारे में बात करता है। हम लोग रेस्ट जुडिकाटा के 8 एक्सप्लेनेशंस को कवर करने वाले हैं। 8 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्सप्लेनेशन रेस्ट जुडिकाटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग लैंडमार्क केसेस देखते हुए चलेंगे, हर एक टॉपिक पे, हर एक सब टॉपिक पे जो भी लैंडमार्क केस होगा उसको मद्देनजर रख के ही हम लोग आगे की चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग समझने वाले हैं कि रेस्ट जुडिकाटा होता क्या है, क्या स्टेज क्या होती है जब रेस्ट जुडिकाटा का एप्लीकेशन होता है, क्या घटना ऐसी होती है जब रेस्ट जुडिकाटा लगा दिया जाता है। मान के चलो शर्माज की फैमिली है, ठीक है, मान के चलिए कि भाई ये शर्माज की फैमिली है। अब शर्माज की फैमिली में दो बेटे हैं, एक हो गए गुड्डू, गुड्डू की फैमिली, एक हो गए बबलू की फैमिली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये होगी इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। कहने की बात ये है कि भाई ये इनके पिताजी की प्रॉपर्टी है, पिताजी का देहांत हो गया है। अब होता क्या है, डिस्प्यूट अराइज होता है, गुड्डू जो है ये कहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम करके गए हैं पिताजी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आपको दो भाई मिलेंगे, दो भाई एकजुट हो गए, कह लेंगे कि तुम सारी प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो। तो ये बबलू की फैमिली हो गई जो तो ऑपोजिट पार्टी द डिफेंडेंट। अब क्या होता है, अब ये जो है ये प्लेंट लेके जाता है, गुड्डू जो है प्लेंट लेके जाता है और प्रेजेंट कर देता है कोर्ट में। मान के चलो इसने प्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, प्रेजेंट कर दिया, दो कोर्ट हो गई ए और बी। अब हुआ क्या, अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स का पेरिजल करा, सब कुछ देखा, सबकी स्क्रूटनी करी, एग्जामिन किया और फाइनली एक जजमेंट पास किया, जजमेंट पास कर दिया कोर्ट ने, जजमेंट पास किया किसके फेवर में, गुड्डू के फेवर में ही जजमेंट भी पास हो गया, प्रूव हो गया भाई कि गुड्डू को ही मिली थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब क्या सिचुएशन हुई, अब ये दो भाई जो है, ये बबलू की फैमिली जो अदर जो दूसरे भाई थे उनको बड़ी पीड़ा हुई, उनको बहुत दुख हुआ कि यार ऐसे कैसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी चली जा रही है, मेरी तो पूरी प्रॉपर्टी चली जा रही है। अब क्या, अब यहाँ पे ये जो है, ये जो भाई है ये चाह रहे हैं कि हम इस कोर्ट में ना जाके हम बी कोर्ट में जाएं, हम बी कोर्ट में जाके सूट फाइल करें। ये लोग सोच रहे हैं कि हम बी कोर्ट में जाके सूट फाइल करें, तो क्या ऐसा अलाउड है, क्या लॉ इस बात की इजाजत देता है कि कोई एक मैटर है जो डिसाइड हो चुका है, जिसपे जजमेंट पास हो गया है, जिसपे कोर्ट ने पेरिजल कर लिया है, क्या ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये लॉ में अलाउड है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 11 इस पे बार लगाता है, देयर इज अ बार ऑन इट, आप नहीं जा सकते हैं। और कोर्ट के ऊपर हालांकि बार लगा है कि यू विल नॉट ट्राई, नो कोर्ट विल ट्राई एनी सच सूट, ऐसे सूट जिस जो पहले सेम ही मैटर पे सेम ही टाइटल के अंदर जो पार्टीज लिटिगेट कर रही हैं। अब ये दोनों एक ही पार्टीज हैं, अब ये दोनों एक ही पार्टी थे, इसी के अगेंस्ट तो लेके जाएगा। अब यहाँ पे प्लेंटिफ बबलू होने वाला है, प्लेंट बबलू प्रेजेंट करेगा कोर्ट में, सेम पार्टीज हो गई, टाइटल क्या है, ओनरशिप से रिलेटेड टाइटल है, दोनों का सेम ही टाइटल हो गया,
कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बिल्कुल यही कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर भी यही है। तो ये सारी चीजों पे बार लगा हुआ है, क्यों बार लगा है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये अग्रीव्ड पर्सन है, इसको राइट, इसके लिए रेमिडी क्या है? फिर ये अपील में जा सकता है, ये अपील कर सकता है इस जजमेंट के अगेंस्ट, अपील कर सकता है इसकी डिग्री के अगेंस्ट, इसको एग्जीक्यूशन रुकवा सकता है, जो करवाना चाहे वो अपील के थ्रू ही करवा सकता है। लेकिन 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 वो ये चाहे कि उसके अगेंस्ट फिर से फ्रेश सूट शुरू हो? नहीं। क्या कहता है हमारा लॉ? देयर शुड बी एंड टू द लिटिगेशन। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अब ये अगर इनको जजमेंट मिल गया तो गुड्डू परेशान। तो ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है, एंड टू लिटिगेशन, कहाँ पे लिटिगेशन एंड होगा, कहाँ पे ये सिलसिला समाप्त होने वाला है, ये तो बताइए। यही पूछना चाह रहा है जो हमारा लॉ है, जो हमारा लेजिस्लेशन है, वो यही पूछना चाह रहा है कि व्हेन विल बी द एंड टू द लिटिगेशन, लिटिगेशन खत्म कब होगा। तो ये हम लोगों ने समझा है भाई एग्जाम्पल के तौर से कि क्या होती, क्या है, क्या सिचुएशन क्या होती है। अब यहाँ पे अगर ये सेकंड कोर्ट में जाके सूट मतलब अपने लिए जजमेंट पास करवाना चाहे, या बैकडोर एंट्री करके फिर से सूट लेके आना चाहे, तो वो अलाउड नहीं है। उस पर बार लगाया गया है बाय सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन 11 को बाइफरकेट करके पढ़ने वाले हैं। ये सेक्शन जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, उसी को मैं लेके आई हूँ आपके सामने इजी वे में। देखिए क्या कहा गया है इसमें, नो कोर्ट शल ट्राई एनी सूट और इशू। क्या कहा? नो कोर्ट शल ट्राई एनी सूट, सूट की भी बात करी गई है यहाँ पे, और इशू की भी बात करी गई है। अब इशू जो होता है, इशू जो होता है वो इशू ऑफ फैक्ट भी होता है और इशू ऑफ लॉ भी होता है ना? इशू ऑफ फैक्ट भी होता है और इशू ऑफ लॉ भी होता है। तो यहाँ पे इशू की बात करी गई है, या सूट हो या कोई इशू हो, तो वो ट्राई नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट के भी द्वारा। देखिए, द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, मतलब फॉर्मर सूट और ये जो सूट आप लेके आ रहे हैं, उन दोनों में मैटर इन इशू क्या है? डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली सेम है। बोथ द मैटर्स में जो मैटर है, जो इशू है, वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली सेम है दोनों ही मैटर्स में। क्लियर है? अब ये देखिए, अब यहाँ पे किसके बारे में बात करेगी? बिटवीन द सेम पार्टीज और द रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ही सूट में, जो एक सूट जो डिसाइड हो गया है, जो डिसाइड हो गया है, उसमें पार्टीज सेम होनी चाहिए जो आप सूट फिर से लेके आ रहे हो। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, अभी मैंने डिस्कस किया, ओनरशिप से रिलेटेड है, तो इसमें भी वो ए पार्टी ओनरशिप से रिलेटेड थी। तो इसी तरह से सेम टाइटल है आपका, आप ओनर हैं, तो आप उस सूट में ओनर है, तो आप इस सूट में भी ओनर ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन अ कोर्ट, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। पहले तो ये समझ लो, एक ऐसे कोर्ट में है जो कॉम्पिटेंट था ट्राई करने को। सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच द इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट में रेज होने चाहिए। ये जो सब्सिक्वेंट सूट है, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट में ही रेज होना चाहिए। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सूट और द सूट इन विच द इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, दोनों ही कोर्ट में, अगर दोनों ही कोर्ट है यहाँ पे, दोनों ही कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, दोनों ही कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए है। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, ये हर्ट मतलब ये इस पे ट्रायल हुआ, इसको हियर किया और फिर फाइनली इसको डिसाइड कर दिया थ्रू द जजमेंट। तो ये पूरा रेस्ट जुडिकाटा का हम लोगों ने देखा कि क्या सेक्शन में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग इसके एसेंशियल्स देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हम लोगों ने देखा, देर आर टू सूट्स, ठीक है, टू सूट्स, एक हो गया आपका फॉर्मर सूट और एक हो गया आपका सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहां पे क्या है, जो पार्टीज हैं, पार्टीज इन बोथ सूट्स आर द सेम, द टाइटल ऑफ द पार्टीज
इन बोथ द सूट्स इज सेम. अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि टाइटल ऑफ द पार्टीज दोनों ही सूट में सेम होना चाहिए, पार्टीज टू द सूट दोनों ही सूट में सेम होनी चाहिए है. उसके बाद जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इश्यू है इन बोथ द सूट्स वो सेम ही होना चाहिए है. मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू, ये क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए है. मस्ट बी सेम इन प्रीवियस सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट. उसके बाद देखिए, कोर्ट मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट, कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए है. ये हम लोगों ने देखा, जिसने डिसाइड किया है फॉर्मर सूट वो कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, या जहां पे सब्सिक्वेंट सूट लाया गया है वो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए है. ठीक है, मैटर हैज बीन डिसाइडेड, मैटर हैज बीन डिसाइडेड इन प्रीवियस सूट. मतलब कहने का क्या है कि भाई जजमेंट पास हो गया, जजमेंट पास्ट, क्लियर हो गई बात. तो ये आपके एसेंशियल्स हो गए, दो सूट होने चाहिए, प्रीवियस सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट. उसके अलावा पार्टीज दोनों ही सूट्स में सेम होनी चाहिए, टाइटल जो है उन पार्टीज का वो दोनों ही सूट्स में सेम होना चाहिए, मैटर जो है डायरेक्टली इन सब्सटेंशियली इन इशू सेम होना चाहिए इन बोथ द सूट्स. उसके बाद कोर्ट के पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए है, और प्रीवियस सूट पे जजमेंट पास हो जाना चाहिए, मतलब वो डिसाइड हो गया हो मैटर. इतनी बात क्लियर होगी. अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना है, मान के चलिए अगर आपको मेंस में, अगर आपको मेंस में इंट्रोडक्शन लिखना है इसी टॉपिक पे, तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे ये सब हम लोग लेके आए हैं. देखिए, जनरल सबसे पहले इतना समझ लीजिए ये एक लैटिन टर्म है, रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है, रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है जो डिराइव किया गया है दो शब्दों से, रेस और जुडिकाटा. रेस जिसका मतलब होता है डिस्प्यूट और जुडिकाटा मतलब होता है डिसाइडेड. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड. रेस जुडिकाटा से आप क्या समझोगे, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड, या फिर जो उसको डिसाइड किया जा चुका है उस पर जजमेंट पास हो गया है. रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड. तो ये सेक्शन क्या, ये सेक्शन बार लगाता है फर्दर लिटिगेशन पे. एम क्या है, एंड टू लिटिगेशन होना चाहिए. ठीक है, अब रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई करता है सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, साथ ही साथ क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तीनों पे ही अप्लाई करता है. और ये कौन से केस में कहा गया, ये कहा गया है सुलोचना अम्मा के केस में, 1994, सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर 1994 के केस में कहा गया कि भाई रेस जुडिकाटा जो है ये अप्लाई करेगा सिविल क्रिमिनल एज वेल एज क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, तीनों पे ही अप्लाई करेगा. और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रेस जुडिकाटा है ये बेस्ड है इंडियन प्रिंसिपल ऑफ प्रंग न्याय पे. प्रंग न्याय मतलब प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट का एक प्रिंसिपल है, इंडियन प्रिंसिपल है ये, हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल पर मतलब हिस्टोरिकल एसेंस है. रेस जुडिकाटा का जो हिस्टोरिकल एसेंस है वो बेस्ड है इंडियन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रंग न्याय, जो कि बात करता है प्रीवियस जजमेंट की. क्लियर हो गई बात. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि भाई ये लैटिन टर्म से डिराइव्ड है, जिसको कहा जाता है थिंग्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. ये बार लगाता है फर्दर लिटिगेशन पे, आप बार बार एक ही मैटर पे कितना लिटिगेट करोगे, क्लियर है. उसके बाद ये अप्लाई करता है सिविल क्रिमिनल एंड क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, और ये इंडियन प्रिंसिपल ऑफ प्रंग न्याय पे बेस्ड है. अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि भाई रेस जुडिकाटा किसके ऊपर बेस्ड है, ये तीन बड़ी बड़ी मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है. अब ये बड़ी मैक्सिम क्या है, आइए देखते हैं. सबसे पहले जो मैक्सिम है, इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस्ट लिटियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
जो मैं इतनी टाइम से कह रही हूं, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। भाई लिटिगेशन पे एंड तो लगे, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? लिटिगेट लिटिगेट करते रहेंगे एक ही मैटर पे, एक ही इशू में दो सेम ही पार्टीज हैं, चलता जा रहा है सिलसिला, चलता जा रहा है, ये अलाउड नहीं है। उसके बाद नेमो डेविट लिस विस्कारी प्रो ओना एट एडन कोजा, वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम अगेन, नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे अग्रीव्ड पार्टी कौन था? अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा शर्माज वाला, उसमें अग्रीव्ड कौन था? जो बी फैमिली थी, या आप कह लो गुड्डू की फैमिली जो थी, वो अग्रीव थी। तो यहाँ पे उसने ये सफर किया कि भाई प्रॉपर्टी चली गई, तो कहने का मतलब ये है कि अब फिर से जजमेंट आएगा, फिर से किसी के अगेंस्ट पास होगा, तो वो उसको एक ही मैटर में कितनी बार वो सफरिंग कॉज उसको होगी या कितनी बार वो सफर करेगा। रोक लगाई गई है और कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बात करता है इसी सेम मैटर की, बताइएगा जरूर। और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीआरपीसी में कौन सी प्रोविजन है जो सेम ही जिसका एसेंस सेम है, नो वन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मैक्सिम है वो है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑसिपुटर। क्या कहती है ये? अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। हमेशा एक जुडिशियल डिसीजन को हम करेक्ट मानेंगे, इसीलिए जो सब्सिक्वेंट सूट है उस पर लगाया जाता है एक बार, ठीक है। अब देखिए इन सब मैक्सिम्स के ऊपर एक केस है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट है और इन मैक्सिम्स को इस केस में भी रिकॉग्नाइज किया गया था। अब जो मैंने आपको बताया था रेस जुडिकाटा के 8 एक्सप्लेनेशंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, और ये रेस जुडिकाटा का जो मतलब उसको रेस जुडिकाटा के जो एसेंस को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वो फॉर्मर सूट के बारे में बात करता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन टॉक्स अबाउट द फॉर्मर सूट। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं, यहाँ पे ये शॉर्ट वर्ड्स हैं, उस एक्सप्लेनेशन को याद करने के लिए आप कैसे याद रखोगे, इट इज फॉर लर्निंग, ये लर्न करने के लिए, लर्न करने के पर्पज से है कि आप इसको कैसे याद करोगे। उसमें तो पूरा पैरा दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है फॉर्मर सूट की। सेकेंड एक्सप्लेनेशन बात करता है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई फॉर्मर सूट क्या होता है। एक फॉर्मर सूट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए कोई सूट है, देखिए 2012 में एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ और एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ 2020 में। अब मैटर क्या था, वही सूट जो है, ये जो है वही मैटर पे 2020 में भी लेके चले गए। जो 2020 का सूट था वो कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिया, वो कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिया, तो ये जो 2020 का सूट है ये एक फॉर्मर सूट हो जाएगा। भले ही ये 2020 का सूट जो है इसी को हम लोग फॉर्मर सूट मानेंगे, भले ही 2012 में ये सूट जो है पहले इंस्टीट्यूट हुआ हो, ये फॉर्मर सूट बन जाएगा, ना कि 2012 वाला सूट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन टू कहता है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन टू जो है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provisions as to a right of appeal। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी provisions जो right of appeal के बारे में बात करें उस decision से related, कि भाई right of appeal है नहीं है, जो भी questions है उससे मतलब नहीं रहेगा। competence of court जो है वो हम लोग determine करेंगे ही करेंगे, मानेंगे ही, ये presume किया जाएगा कि भाई court को competence है, ठीक है। Irrespective of any provisions as to right to appeal from the right to appeal से related कोई भी ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए। उसके बाद explanation 3 देखिए क्या कहता है, explanation 3 कहता है matter directly and substantially in issue, जो matter है former suit में ये एक party ने allege किया हो और दूसरी party ने जो है deny किया हो या admit किया हो expressly या impliedly by the other। यहाँ पे जो मैटर फॉर्मर सूट में रेज किया गया है वो या तो
डिनाई किया हो या एडमिट किया हो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली, मतलब इसको एक्सप्रेसली डिनाई करो या इम्प्लाइडली डिनाई करो, एक्सप्रेसली एडमिट करो या इम्प्लाइडली एडमिट करो, लेकिन ये एक डिनाइल या एडमिट करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए है। ये क्या है, ये मैटर इन इशू के बारे में बात करता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन फोर, एक्सप्लेनेशन फोर कहता है एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। कहने का मतलब क्या है, इसको इसके डिटेल में जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप समझो। मान के चलिए कि आपके पास किसी भी मैटर में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, कि देखो कोई अपॉर्चुनिटी आपको ये मिली कि आप किसी जो आपको आपने डिफेंस में कुछ कह सकते हो, या अगर आपको अटैक किया जा रहा है किसी सूट में तो आप उसके अगेंस्ट कुछ कह सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपने कुछ नहीं कहा तो इसको एडमिट माना जाएगा कि आप ही कल्प्रिट हैं, आप ही के थ्रू ये गलती हुई है। एनी मैटर माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मैटर जो डिफेंस या अटैक का ग्राउंड बन सकता है फॉर्मर सूट में, इसको डीम किया जाएगा इट इज ऑल्सो अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन दिस सूट। इस सूट में भी जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें भी माना जाएगा यही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। ये आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा होता है, ये एलैबोरेट प्रोविजन है। एक्सप्लेनेशन फाइव क्या कहता है, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री। कोई रिलीफ क्लेम की जा रही है प्लेंट में जो कि एक्सप्रेसली डिक्री ने ग्रांट नहीं करी है, शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है डीम्ड रिफ्यूजल के बारे में। एक्सप्लेनेशन फाइव बात करता है डीम्ड रिफ्यूजल के बारे में, कि भाई अगर नहीं मेंशन किया है रिलीफ क्लेम विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड, मेंशन था लेकिन ग्रांट नहीं किया, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका वो रिफ्यूज कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन सिक्स क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन सिक्स कहता है वेयर पर्संस लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन अ इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, ऑल पर्संस इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 11 के हिसाब से इनको क्लेम किया जाएगा अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करी गई है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में बात करी गई है। एक्सप्लेनेशन सिक्स रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कहा है इसमें, कि देखो पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट का मामला है और यहाँ पे राइट क्लेम्ड इन कॉमन, कॉमन राइट है, यहाँ पे राइट जो है वो कॉमन है फॉर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये माना जाएगा कि इट इज क्लेमिंग अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग, सबको यही माना जाएगा कि दे आर क्लेमिंग अंडर द सेम पर्सन। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री एंड रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंसेस रिस्पेक्टिवली टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग एंड अ फॉर्मर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी ये जो सेक्शन है सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 8 क्या कहता है, एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, या फिर उसको ऐसा नहीं है कि उसने अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर दिया हो, यहाँ पे उसके पास लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था। वो सब्जेक्ट मैटर से भी रिलेटेड लिमिटेड हो सकता है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से भी लिमिटेड हो सकता है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था। हु वाज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, ये भी ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकाटा इन अ सबसिक्वेंट सूट नॉट विथस्टैंडिंग। इससे मतलब नहीं है कि ये जो कोर्ट था लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। अगर सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंस का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखा जाएगा जो कि सब्सिक्वेंटली रेज है, अगर क्वेश्चन जो है वो सब्सिक्वेंटली जो मैटर आप दूसरी बार लेके आए हो तो उस मैटर में नहीं देखी जाएगी कॉम्पिटेंस, लेकिन पहले मैटर में कॉम्पिटेंस देखी जाएगी भले ही उसका लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था। इट मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। क्लियर हो गई बात। ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है ये ऐड किया गया था, इसमें चेंजेस किए गए थे एक्चुअली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है।
अब देखिए, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में क्या कहा गया है, एनी मैटर विच माइट और ऑट टू बी मेड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। ठीक है, फॉर्मर सूट में कोई भी ऐसा मैटर जिसको आप कर सकते थे, माइट और ऑट टू बी मेड अ ग्राउंड फॉर डिफेंस और अटैक, ठीक है, इन अ फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड, इसको भी डीम किया जाएगा, मतलब इसको माना जाएगा टू बी अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट। ये कहता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। और इसमें इंपॉर्टेंट केसेस देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सबसे पहले वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पे रेस्ट जो कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा है इसका एप्लीकेशन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसके बाद दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, पूरे रेस्ट जुडिकाटा के सब्जेक्ट पे आपको बार बार ये केस देखने को मिलेगा, तो ये लीडिंग केस है दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, रूल ऑफ लॉ पे भी है ये केस। साथ ही साथ अमालगमेटेड कोलफील्ड्स वर्सेस जनपद सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये केसेस हो गए। साथ ही साथ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट, लीडिंग केस है इस पॉइंट पे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस जो है ये लीडिंग केस है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैटर इन इशू की, यहाँ पे सेक्शन 11 में जो मैटर इन इशू की बात करी है उसको डील करेंगे। देखिए मैटर इन इशू यहाँ पे देखिए, एक तो हो सकता है मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, और दूसरे मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं कोलेटरली या इंसिडेंटली इन इशू। मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट है मैटर, यहाँ पे आप देखिए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, लेकिन यहाँ पे वो मैटर्स जो डायरेक्टली इन इशू ना होके कोलेटरली इशू में है या इंसिडेंटली इशू में, डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस मैटर में, तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, कोई रिलीफ नहीं क्लेम हुई होती है, या ये जो मैटर्स होते हैं जो कोलेटरली या इंसिडेंटली इशू में होते हैं ये सेक्शन 11 में अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन जो मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होते हैं ये मेन मैटर्स होते हैं। ठीक है, जो मैटर डायरेक्टली सब्सटैंशियली इन इशू है, भाई मैटर इन इशू क्या है, कोर्ट यही तो देखता है, तो मैटर्स क्या है भाई, या तो फिर अब इनमें मैटर्स या तो फिर एक्चुअली इन इशू होंगे या मैटर्स कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होंगे, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होंगे, तो ये जो मैटर्स कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होते हैं ये भी एग्जामिन किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, और जो मैटर्स एक्चुअली इशू होते हैं ये भी देखे जाते हैं कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये जो मैटर्स होते हैं ये डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इन इशू ही होते हैं, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक्चुअली इन इशू एंड कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, दोनों ही एग्जामिन किए जाते हैं और कंसिडर भी किए जाते हैं। अगर कोई अननेसेसरी या इररेलेवेंट इशू है उसका कोई मतलब उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच अननेसेसरीली एंड इररेलेवेंट इशू, अगर कोई ऐसा इशू रेज किया जा रहा है तो इसकी कोई भी एज सच मतलब मान्यता नहीं होती है लॉ में, तो इसीलिए ऐसे इशूज को अवॉइड करना ही बेटर है, ना कि इसको कंसिडर करके या डिटरमाइन करके आप आगे बढ़े। देखो रेस जुडिकाटा पे अगर आपने डचेस वर्सेस किंगस्टन का केस नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, ये मेन केस है, इसी के ऊपर सेक्शन 11 बेस्ड है, इसी के ऊपर सेक्शन 11 बेस्ड है। देखिए डचेस ऑफ किंगस्टन केस में सर विलियम डी ग्रे किसने दिया गया था, किसने प्रोनाउंस किया था इस जजमेंट को, विलियम डी ग्रे ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले फर्स्टली दैट द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ अ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन डायरेक्टली अपॉन द पॉइंट इज एज अ प्ली अ बार और एज एविडेंस कंक्लूसिव बिटवीन द सेम पार्टीज अपॉन द सेम मैटर डायरेक्टली इन क्वेश्चन इन अनदर कोर्ट। जो जजमेंट दिया गया है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन के डायरेक्टली अपॉन द पॉइंट, ठीक है, ये बार होता है प्ली की तरह, अगर हम लोग उसको प्ली की तरह देखें तो प्ली की तरह बार है, और अगर हम लोग एविडेंस की तरह देखें तो वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दे रहा है, अगर जजमेंट पास कर दिया तो उसने तुम्हारी राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, बिटवीन द सेम पार्टीज अपॉन द सेम मैटर डायरेक्टली इन क्वेश्चन इन अनदर कोर्ट, किसी और कोर्ट में अगर वो मैटर रेज कर रहा है तो वो जो मैटर डिसाइड हुआ है वो कंक्लूसिव हो गया है और प्ली बार है, ये कह दिया था डचेस वर्सेस किंगस्टन के केस में, डचेस ऑफ किंगस्टन के केस में, सॉरी। सेकेंडली देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहा,
जो जजमेंट होता है ऑफ अ कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्टली ऑन द पॉइंट इज इन लाइक मैनर कंक्लूसिव अपॉन द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज कमिंग इंसिडेंटली इन क्वेश्चन इन अनदर कोर्ट फॉर डिफरेंट पर्पज। सुनिए बात, कहने का मतलब क्या है, आपने क्या करा, आप अपना मैटर घुमा के ले आए। अगर आप किसी और पर्पस के लिए मैटर लेके आ रहे हैं तो वहां पे भी रोक लगाई गई है, द जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, जो कि डायरेक्टली ऑन द पॉइंट है, पॉइंट सेम होना चाहिए, है पॉइंट सेम है, मतलब कॉज ऑफ एक्शन सेम है, लाइक मैटर कंक्लूसिव होता है ये ऑन ऑन द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज जो आप दूसरे कोर्ट में लेके आ रहे हो इंसिडेंटली, मतलब आप कोलेटरली लेके आ रहे हो उसको, आप बैक डोर से एंट्री कर रहे हो, आप ये समझ लीजिए बैक डोर से एंट्री। फ्रिवोलस लिटिगेशन, एक वर्ड होता है फ्रिवोलस लिटिगेशन, ये सारी चीजें जो है ये नहीं चलने वाली है। फ्रिवलेस लिटिगेशन से बचने के लिए रेस जुडिकाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले ए सूज बी फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सूट इज डिसमिस्ड। देखिएगा जरूर, सूट डिसमिस हो गया है। अ सब्सिक्वेंट सूट बाय ए अगेंस्ट बी फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट इज बार्ड। A is right to claim damages from B for breach of contract having been decided in the previous suit, it becomes res judicata and cannot therefore be tried in a subsequent suit. B cannot be vexed twice over the same cause. Breach of contract पे कितनी बार आप उसको उसको ट्राई करोगे? Second, A sues B for possession of certain property, alleging that it has come to his share on partition of joint family property. B क्या contend कर रहा है? B's contention that the partition has not yet taken place. नहीं, the partition has not taken place is upheld by the court and the suit is dismissed. A subsequent suit by A against B for partition of a joint family property is not barred. A अगर subsequent suit लेके आना चाह रहा है, a subsequent suit by A against B for partition मतलब क्या है? सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हमारे पास प्रॉपर्टी, सर्टेन प्रॉपर्टी का एक राइट है, ठीक है। तो बी ने क्या, यहाँ पे बी ने क्या कहा, बी ने कोर्ट से कहा कि भाई अभी तक पार्टीशन हुआ ही नहीं है। बी ने क्या कहा, दैट द पार्टीशन हैज नॉट टेकन प्लेस, और इसको कोर्ट ने मान लिया, इसको कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, ठीक है, और सूट को डिसमिस कर दिया। अब सबसिक्वेंट सूट लेके आ रहा है लेकिन वो पार्टीशन अपनी प्रॉपर्टी को नहीं क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि भाई आप पार्टीशन कर दीजिए, ना कि पोजेशन को, ओनरशिप को क्लेम कर रहा है, बल्कि वो पार्टीशन को क्लेम कर रहा है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बार नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड, थर्ड, ए फाइल्स अ पिटिशन इन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर री इंस्टेटमेंट इन सर्विस एंड कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स कंटेंडिंग दैट एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल पासेस अगेंस्ट हिम इज इलीगल, इलीगल है, ठीक है। The petition is dismissed. A cannot thereafter file a fresh petition in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution, nor can institute a suit in a civil court as such petition or suit would be barred by res judicata. यहाँ पे जो दरियाओं का केस है ना, दरियाओ दरियाओ सिंह वाला केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। यही कुछ उसके भी फैक्ट थे। अब A ने क्या करा, पहले तो हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 226 कि हमें री इंस्टेट कर दीजिए मेरी सर्विस और जो भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि हमें डिसमिसल जो पास और डिसमिसल ऑर्डर उनके अगेंस्ट पास किया गया था वो उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, पिटिशन जो है डिसमिस हो गई। अब यहाँ पे ये चाहे कि फ्रेश पिटिशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर, तो ये नहीं कर सकता है, ये मना किया गया है, और ये दरियाओं का केस इस पे इन्हीं फैक्ट्स पे है। अब देखिए फोर्थ, A पार्टनरशिप फर्म फाइल अ सूट अगेंस्ट B टू रिकवर ₹50,000। द सूट वॉज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज नॉट मेंटेनेबल सिंस द पार्टनरशिप वॉज नॉट रजिस्टर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्टर्ड ही नहीं थी। द फर्म वॉज देयर आफ्टर रजिस्टर्ड एंड अ फ्रेश सूट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट बी ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे सूट जो है यहाँ पे बार नहीं लगाया जाएगा, रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को नहीं लगाया जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी तक पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वो फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं था। अब जब फर्म रजिस्टर होके लेके आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका टाइटल चेंज हो रहा है, जो लीगल कैपेसिटी है, लीगल कैपेसिटी चेंज हो रही है पार्टी की, तो इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए रेस जुडिकाटा की अगर हम लोग एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी की बात करें,
क्या इसका एप्लीकेबिलिटी है? देखो, ये को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ्स के बीच में भी अप्लाई करेगा रेस जुडिकाटा। ये इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान के केस में कहा गया। कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कहीं पे कंसेंट डिग्री पास हो गई है या कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास हो गई है तो उसमें अगर कोई अग्रीव पार्टी निकल के आ रही है और फिर से सूट लाना चाह रही है तो वहां पे बार नहीं लगाया गया है। डज नॉट अप्लाई टू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पे भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है। आप फ्रेश सूट लेके आ सकते हैं, लेकिन ये देखने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रिट पिटिशंस पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है, लेकिन 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 हेबियस कॉर्पस की रिट जो होती है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। हेबियस कॉर्पस की रिट मतलब क्या है? अब सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप फिर से मैटर लेके आ सकते हो। और ये किस में कहा गया? ये कहा गया था दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961। दरियाव सिंह का केस जो है हर एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेस जुडिकाटा एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की अगर हम लोग बात करें तो दरियाव सिंह का केस फिर से आता है दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रेस जुडिकाटा था ना उसके स्कोप को एनलार्ज किया। कहने का मतलब क्या है, उसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट था, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट था ना, वो इस केस में हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे सेक्शन 11 एक्सप्रेशन 4 का रिट पिटिशंस पे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो मैटर था हम लोगों ने अभी देखा, और रेस जुडिकाटा को कहा कि एक रूल ऑफ लॉ है, रेस जुडिकाटा इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, और उसको रिइटरेट किया, इसको रिइटरेट किया गया है अभी 2019 के केस में, पी बंदोपाध्याय, पी बंदोपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट पे, क्लियर है? तो ये हो गया दरियाव सिंह का केस, दरियाव का केस, मैं दरियाव सिंह क्यों कहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो डचेस किंगस्टन का केस हम लोगों ने देखा था, इसको दरियाव सिंह के केस में पूरी तरह से अपहेल्ड किया गया था, दरियाव सिंह के केस में इसको पूरी तरह से साइड किया गया था। साथ ही साथ सत्याधन घोषाल वर्सेज देवरन देवी के केस में भी इसको मतलब मान्यता दी गई थी। जो जो डचेस ऑफ किंगस्टन केस में कहा गया है वो सत्याधन घोषाल वर्सेज देवरन देवी के केस में भी कहा है, इसीलिए ये सारे केसेस मैंने एक साथ लिख दिए हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो प्रोविजन, सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा की, सेक्शन 10 जो है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था रेस सब जुडिस, वो आता है सेक्शन 10 में। रेस जुडिकाटा में कौन से मैटर्स होते हैं जो डिसाइडेड होते हैं, जिसपे जजमेंट पास हुआ होता है, जजमेंट पास हो गया है, क्लियर है? और रेस सब जुडिस में कैसे मैटर्स होते हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं, एक कोर्ट में मैटर पेंडिंग चल रहा है अभी। एम क्या होता है, रेस जुडिकाटा का एम होता है कि देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 10 की रेस सब जुडिस की, ये पैरेलल मैटर्स को, कोलैटरल प्रोसीडिंग्स को प्रोहिबिट करता है कि एक ही मैटर पे दो जगह, दो कोर्ट्स में मैटर सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो वहां पे प्रोहिबिशन लगाया जाता है। सेक्शन 11 में जजमेंट दिया जा चुका होता है, लेकिन सेक्शन 10 में मैटर जो होता है वो पेंडिंग चल रहा होता है। यहाँ पे जो होता है ट्रायल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और सिमिलरली सेक्शन 10 में भी ट्रायल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टोपेल के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। सेक्शन 11 बात करता है अगेन प्रोविजन, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के बारे में कवर बात करता है, और सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है एस्टोपेल के बारे में। यहाँ पे एस्टोपेल और रेस जुडिकाटा का डिफरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये इन दोनों का जो सेक्शन का एसेंस है वो दोनों के साथ सिमिलर होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं पार्टी के द्वारा, उस पर रोक लगाई जाती है एस्टोपेल में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जो आपने प्रीवियसली कहा है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन 11 बार करता है ट्रायल को, और सेक्शन 115 रिस्ट्रिक्ट्स द पार्टी टू द स्टेटमेंट्स मेड, जो स्टेटमेंट्स उसने करे वहां पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब देखिए, बाइंड्स बोथ द पार्टीज, यहाँ पे बाइंड्स ओनली द पर्सन मिस रिप्रेजेंटिंग, जो पर्सन मिस रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बाइंड किया जाता है। सेक्शन 11 डिसीजन ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पे सेक्शन 115 इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स इन द मैटर। ये जो होता है सेक्शन 11, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, और सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 12 की, सेक्शन 12 जो बात करता है बार टू बार ऑन फर्दर सूट वेर ए प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स। ये प्रिलिम्स में पूछा जाता है,
प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है इससे कि भाई यहाँ पे सेक्शन 12 में क्या बोला गया है, प्रिक्लूडेड बाय रूल्स, प्रिक्लूडेड बाय ऑर्डर्स, किससे प्रिक्लूडेड है, तो ये प्रिक्लूडेड बाय रूल्स है, फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, किसी भी कॉज ऑफ एक्शन पे अगर प्लेंटिफ को रोका जा रहा है थ्रू रूल्स, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज, जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है जिस भी कोर्ट के ऊपर लागू हो रहा है वहां पे भी आप इसको इस सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते अगर आप रूल्स से प्रिक्लूड किए जा रहे हैं, मतलब आप पे रोक लगाई जा रही है। तो इसमें सबसे पहले देखिए ऑर्डर 2 रूल 2 रोक लगाता है, ऑर्डर 9 रूल 9 रोक लगाता है, ऑर्डर 22 रूल 9 और ऑर्डर 23 रूल 1, ये चारों ही ऑर्डर्स आपको ऑर्डर क्या याद करने, मतलब ये याद रख लेना है कि इन चारों में रूल्स वो रूल्स दिए हैं जिनके थ्रू प्रिक्लूड किया जाएगा, जिनके थ्रू प्रिक्लूड किया जाएगा टू द प्लेंटिफ को आगे बढ़ने के लिए रोक लगाई जाएगी। तो सेक्शन 12 इसके बारे में बात करता है। अब देखिए, अब इसी के साथ जो आज का सेशन था वो हम लोगों को कवर हुआ है, लेकिन आप लोगों से एक बात में डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड, किसी भी लॉ से रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट्स में कोई लेक्चर चाहिए, मान के चलिए आपको सीपीसी के एमसीक्यूज चाहिए हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज बेसिकली, अगर वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। साथ ही साथ मेन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए या अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ भी जानना है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इस टॉपिक पे जो मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रेस जुडिकाटा का डिफरेंस पूछा जाता है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, इसके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में, और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जाता है, लेकिन मेंस में 100% चांस होता है, और जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% चांसेस हैं, सीपीसी का पेपर है तो रेस जुडिकाटा पूछा जाएगा, चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, रेस जुडिकाटा विल बी देयर। ठीक है, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है आपका कवर हुआ, आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।